और दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं स्कूल लव स्टोरी। प्यार एक ऐसी भावनात्मक संवेदना है जिसका एहसास इंसान को जन्म से पहले ही होने लगता है, क्योंकि एक माँ के द्वारा पुत्र प्राप्ति का प्रेम कितना संवेदनशील होता है, यह इसका उदाहरण है। दोस्तों, आप यह भी जानते हैं कि प्यार वयस्क अवस्था में भी ज्यादा प्रभावी होता है। और देखिए, वयस्क व्यवस्था में तो लड़का या लड़की स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। तो दोस्तों, सुनते हैं आज ऐसी ही स्कूल लव स्टोरी जो स्कूल में कितना गुल खिलाती है। आइए सुनते हैं एक दिल को छू लेने वाली स्कूल की प्रेम कहानी। यह कहानी शुरू होती है जब तरुण महज 9 साल का था। तब तरुण पढ़ने में ठीक था, परंतु वह संगीत में अधिक रुचि रखता था। संगीत के बिना उसका दिन निकलना मुश्किल था। उसे गाने सुनना, गाना गाना और वाद्य यंत्र बजाना बड़ा पसंद था। उसकी पसंद गहरी और अतुलनीय थी। तरुण स्कूल के दिनों में घर पर बहुत रियाज करता था। एक दिन स्कूल में वार्षिक उत्सव मनाया गया। इसमें तरुण ने अपने गाने की प्रस्तुति से सबका मन जीत लिया। सभी खड़े होकर काफी देर तक तरुण के लिए तालियां बजाते रहे। तरुण के कुछ देर बाद ज्योति की परफॉर्मेंस का नंबर आया। ज्योति ने भी काफी सुंदर गाना गाया। कार्यक्रम के अंत में तरुण और ज्योति को बराबर पुरस्कार दिया गया। तरुण के परिवार में कोई और गाना नहीं गाता था, परंतु ज्योति के पापा बड़े गायक कलाकार थे। वो भी उस कार्यक्रम में तरुण को गाना गाते देख रहे थे। कुछ दिनों बाद ज्योति के पापा रवि शास्त्री ने ज्योति से कहा, बेटा, तुम्हारी स्कूल में जो लड़का था उसका नाम क्या है? ज्योति ने तुरंत कहा, तरुण। पिता ने कहा, हाँ तरुण, मैं उसे मिलना चाहता हूँ, तुम उसे कल अपने घर ले आओ। ज्योति ने कहा, ठीक है, मैं उसे बोलती हूँ पापा। तरुण को भी ऐसे ही किसी बड़े कलाकार की आवश्यकता थी। तरुण अपनी स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ संगीत में भी माहिर होना चाहता था। एक दिन ज्योति ने तरुण से कहा, तरुण, तुम्हारा गाना मेरे पापा को बड़ा अच्छा लगा और वे तुमसे मिलना चाहते हैं। तरुण को ज्योति के पापा के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था। तरुण ने कहा, परंतु मैं कैसे मिल सकता हूँ? पढ़ाई के बाद के समय मैं गाने का रियाज करता हूँ। ज्योति ने कहा, इसीलिए तो कह रही हूँ कि तुम पापा से मिल लो और तुम्हें फायदा हो सकता है। तरुण ने आश्चर्य से पूछा, वो कैसे? ज्योति ने कहा, अरे मेरे पापा अच्छे गायक कलाकार हैं, बड़े सिंगर हैं, तुम्हारी आवाज़ उन्हें पसंद है, इसलिए वह तुमसे मिलना चाहते हैं। तरुण ने कहा, अरे वाह, यह तो मुझे पता ही नहीं था, पर क्या तुम्हारे पापा मेरी संगीत शिक्षा को बढ़ा सकते हैं? मुझे और भी बहुत कुछ सीखना है, क्या तुम्हारे पापा मेरी मदद करेंगे? ज्योति ने कहा, क्यों नहीं, तुम एक बार मिलकर बात कर लो। तरुण ने तपाक से कहा, फिर तो मैं आज ही स्कूल के तुरंत बाद ही यह काम करूंगा, शाम को तुम्हारे घर आता हूँ। ज्योति और तरुण स्कूल खत्म कर ज्योति के घर पहुंचे। ज्योति ने सभी से तरुण का परिचय करवाया। ज्योति ने तरुण को अपने पापा से मिलाया। तभी तरुण ने ज्योति के पापा के चरण स्पर्श किया और प्रणाम किया। ज्योति के पापा ने कहा, तुम्हारी आवाज अच्छी है, तुम चाहो तो इसे और भी बेहतर बना सकते हो। तरुण ने कहा, हाँ मैं इसे और भी बेहतर बनाना चाहता हूँ। ज्योति के पापा ने कहा कि तुम रोज शाम को ज्योति के साथ यहाँ पर आया करो, मैं तुम्हें संगीत की शिक्षा दूंगा। ज्योति को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ज्योति भी तरुण की आवाज के साथ तरुण के स्वभाव को भी पसंद करती थी। अब दोनों स्कूल खत्म करके साथ साथ ज्योति के घर जाते और घर जाकर संगीत की शिक्षा लेते। दोनों की आपसी गहरी दोस्ती हो चुकी थी। एक दिन तरुण की थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से वह स्कूल नहीं जा पाया।
ज्योति को पता चला तो ज्योति स्कूल के मिस को बोलकर तुरंत तरुण के घर पहुंच जाती है। पूरे दिन भर तरुण के ही साथ बिताती है क्योंकि उसे तरुण के साथ वक्त बिताना बहुत ही अच्छा लग रहा था। कुछ महीनों में तरुण संगीत में और भी ज़्यादा माहिर होता चला गया और ज्योति भी अपने संगीत को निखार रही थी और प्यार के सपने सजा रही थी। एक दिन जिला स्तर पर संगीत का कंपटीशन था, तब ज्योति के पापा ने तरुण और ज्योति दोनों का उस कंपटीशन के लिए आवेदन करवा दिया। तरुण ने उस कंपटीशन में धमाकेदार प्रस्तुति दी और पूरे जिले में तरुण का नाम गूंजने लगा। अब पूरे जिले में तरुण और ज्योति को लोग जानने लगे, लोग कहने लगे यह भविष्य में बड़े सिंगर बनेंगे। दोनों की जोड़ी को सभी लोग पसंद करते थे। धीरे धीरे ज्योति और तरुण का प्यार और गहरा होता चला जा रहा था। एक दिन फिर दूसरे जिला स्तरीय शो में तरुण और ज्योति ने दोनों एक साथ मिलकर गाना गाया और वह गाना बहुत ही रोमांटिक था। रोमांटिक प्रस्तुति को देख लोग उस जोड़ी के कायल होते चले गए, कहने लगे भगवान इन दोनों की जोड़ी को मंजूरी दे दी है। जब भी एक गाएंगे तो दोनों साथ ही गाएंगे। अब हर प्रस्तुति ज्योति और तरुण साथ देने लगे।